बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक बहुत बड़ी जो न्यूज है वो ये है कि यूपी बोर्ड की डेट इंग्लिश के पेपर में, मैं बता दूं कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों के ही पेपर्स जो इंग्लिश के हैं वो होंगे मार्च एग्जामिनेशन है। ये सिर्फ आपका ख्वाब नहीं है, ये सिर्फ आपके ख्वाब को पूरा करने की एक सीढ़ी नहीं है, ये उन माँ बाप के लिए भी एक बहुत बड़ा एक सपना है। वेलकम बैक टू जेमिफाइड। आज बात कर रहे हैं हम यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन की, और इसमें आपको बता दूं कि यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक बहुत बड़ी जो न्यूज़ है वो ये है कि यूपी बोर्ड की डेट शीट आ चुकी है। ये डेट शीट के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करें इसकी टाइम की। ये जो डेट शीट है इसमें एग्जाम्स 17 दिन में, मीन्स ऑल टुगेदर 17 डेज में ये कम्प्लीट हो जाएंगे, ये पूरी तरह से सम्पन्न हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। तो 17 दिन का टाइम, 17 डेज का टाइम ये एग्जामिनेशन लेंगे, और इसमें जो एग्जामिनेशन की डेट है ये 22nd ऑफ फेब से ये एग्जाम शुरू होंगे और 9th ऑफ मार्च को ये वाइंड अप हो जाएगा। तो ये जो 17 डेज का जो ये पूरा ड्यूरेशन है, जो स्पैन है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट पेपर है वो आपके इंटरमीडिएट के लिए और हाई स्कूल दोनों के लिए हिंदी है, चाहे वो आप प्रारंभिक हिंदी की बात करें, सामान्य हिंदी की या साहित्यिक हिंदी, सभी जो हिंदी के एग्जाम्स हैं वो आपके 22nd ऑफ फरवरी को होंगे। इसके अलावा ये जो एग्जाम्स हैं ये टू शिफ्ट्स में पूरे होंगे। टू शिफ्ट्स में फर्स्ट शिफ्ट स्टार्ट होगी 8:30 टू 11:45, और जो सेकेंड शिफ्ट है दैट वुड कमेंस फ्रॉम 2:00, ये 2:00 से लेकर 5:15 यानी कि 5:15 तक जाएंगी। जो ड्यूरेशन है दोनों ही एग्जाम्स में वो आपको मिलेगी 3 hours 15 minutes का, ये जो टाइम है वो आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा। आइए बात करते हैं इंग्लिश के पेपर की। इंग्लिश के पेपर में मैं बता दूं कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों के ही पेपर्स जो इंग्लिश के हैं वो होंगे मार्च में। अब मार्च में होंगे तो डेट्स भी बता देती हूँ, टाइमिंग भी। डेट्स है, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरमीडिएट के पेपर की। इंटरमीडिएट का इंग्लिश का पेपर है 2nd of March को, जबकि हाई स्कूल का इंग्लिश का पेपर है 4th of March को। टाइमिंग भी समझ लीजिए, हाई स्कूल का पेपर जो है वो मॉर्निंग के शिफ्ट में है और इंटरमीडिएट का जो पेपर है वो इवनिंग के शिफ्ट में है, यानी कि मॉर्निंग में 4th of March को हाई स्कूल का पेपर है इंग्लिश का, इसकी टाइमिंग वुड बी 8:30 टू 11:45। और जहां मैं इंग्लिश की इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन की बात करूं तो ये पेपर होंगे इवनिंग में और इसकी डेट है 2nd of March और टाइमिंग वुड बी 2:00 टू 5:15 यानी कि 2 बजे से लेकर 5:15 तक। तो जस्ट बी रेडी, गेट रेडी एंड आप अब बिल्कुल कमर कस के तैयार हो जाए क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा है नहीं। दिसंबर इज ऑलरेडी फ्लीटिंग अवे जा रहा है और जनवरी वुड बी देयर एंड फरवरी में तो आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो जितने भी रिविजन का टाइम हो सभी करना शुरू कर दीजिए। और सबसे पहले मैं आपको इन सब चीजों के साथ साथ आपको ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि ट्राई टू बी नॉट सीरियस, क्योंकि अगर अभी आप सीरियस नहीं हुए तो रिजल्ट्स आपके क्या होंगे वो आप जानते हैं। और सबसे बड़ा जो आपका कमिटमेंट इस वक्त होना चाहिए वो पढ़ाई की तरफ होना चाहिए, क्योंकि आपको मैं याद दिला दूं कि ये जो आपका एग्जामिनेशन है ये सिर्फ आपका ख्वाब नहीं है, ये सिर्फ आपके ख्वाब को पूरा करने की एक सीढ़ी नहीं है, ये उन माँ बाप के लिए भी एक बहुत बड़ा एक सपना है जो बहुत मेहनत करके, मजदूरी करके, मतलब बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं, हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनके पेरेंट्स लिटरली बहुत मेहनत कर रहे हैं क्योंकि दे आर द लेबरर्स इन द फील्ड। वो मेहनत कर रहे हैं सिर्फ इसलिए, ये ख्वाब है उनकी आँख में कि उनका बच्चा करिए मेहनत, मजदूरी नहीं करेगा क्योंकि वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा। तो इस ख्वाब को ज़रूर पूरा करने की कोशिश करिएगा और हमारी आपसे उम्मीद है कि आप उनकी जो मेहनत है उसको ज़रूर पहचानेंगे, उसको ज़रूर इतना ध्यान देंगे उस बात पर और उनको इतना सीरियसली लेंगे कि आपको कुछ करके दिखाना है, अपने लिए नहीं तो उनके लिए ज़रूर। और ये कोशिश आप करेंगे सर्टेनली यू विल गेट द रिजल्ट्स एंड आई होप दैट ऑल द स्टूडेंट्स आर वर्किंग वेरी हार्ड। आप सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं ऐसी मेरी उम्मीद है और मैं जानती हूँ कि आप इस बार मेहनत करके ज़रूर अपनी जीत के झंडे गाड़ेंगे। और जेमिफाइड आपको कहता है विश यू ऑल द लक, और आपकी मेहनत कामयाब हो, आपके माँ बाप के ख्वाब पूरे हों, ऐसी हमारी उम्मीद है। और चलिए विश यू ऑल द लक, और इस तरह के और भी वीडियोस हम लेकर आपके लिए आ रहे हैं, तो जेमिफाइड को देखते रहिए और यूपी बोर्ड के रिगार्डिंग आपको जो भी गाइडेंस चाहिए
वो हमारे साथ आपको रहकर जरूर मिलेगा. हैव अ नाइस टाइम. एंजॉय.